आप सबका हम यहाँ कार्यक्रम में थे, नारी शक्ति अवार्ड शो में थे यहाँ पर, और एक बहुत ही जिंदा दिल जोड़ा हमें मिला है, डीआर गुलाटी और नित्या गुलाटी माता जी हैं यहाँ पर। हम उनसे बात करने वाले हैं। कैसे सर, स्वागत है सबसे पहले कंचन टीवी पर आपका। हाँ, कंचन टीवी वालों को मुबारक हो कि सुर झंकार प्रोग्राम में आए, जहाँ पे नारी शक्ति के लिए सम्मान दिए गए। मैं इस पे यह कहूँगा, हमारी जो हिंदुस्तान की नारी है, वो जब बाहर जाती है तो उसने जितने भी त्यौहार हैं, चाहे यूएसए में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ ज़्यादा है, और दुनिया के हर कोने में उन्होंने भारतीय हिंदुस्तान के सारे त्यौहार को जिंदा रखा हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि नारी एक बेटी भी है, एक बहन भी है, एक बीवी भी है, एक माँ भी है, और मैं 67 साल में माँ की गोद में ही सोता हूँ। उसका मैं राज बताऊंगा, मूल मंत्र। अगर आप माँ की गोद में सोओगे किसी भी उम्र में, तो आपको बीमारी दूर तक नहीं आएगी। एक होती है माँ जो जन्म। गुलाटी साहब, मैं रुकना चाहूंगा, जिंदा दिल इंसान है। मैं वहाँ कार्यक्रम में भी आपको देख रहा था, आप काफी इंजॉय कर रहे थे, बातों में भी आपकी एनर्जी है, 65 साल के होने के बावजूद भी जोश है, राज क्या है इसका? हाँ, वही बता रहा हूँ। एक ये राज जो है सिर्फ दो ही लाइनों में मेरी, एक माँ है जो जन्म देती है, एक धरती माँ जो खाने में देती है, एक प्रकृति माँ जो हमें चलाती है। मैं रात को दो लाइनें बोल के सोता हूँ, हे प्रकृति माँ, कल सुबह मुझे तभी उठाना अगर आपको मेरी जरूरत है तो। इसका मेरा मानना है, मेरा शरीर पांच ही तत्व का है और प्रकृति माँ में पांच ही तत्व है। जन्म में पांच तत्व मिलते हैं और हमने मृत्यु में पांच तत्व में ही जाना है। जब मैं ये लाइन बोलता हूँ तो मेरा मानना है कि मेरी डेड बॉडी रह गई और दोबारा सुबह जन्म होता है। और दूसरी, जब माँ जन्म देती है तो हमें दूध भी पिलाती है, और प्रकृति माँ से मैं कुछ मांगता हूँ। फिर दूसरी लाइन में बोलता हूँ, प्रकृति माँ, कल सुबह जब मुझे उठाओगे तो मेरी बैटरी लेके जाना, इसको साफ करके चार्ज करके मुझे देना, मीन ब्रेन और हार्ट साफ करके जी, देना। जी, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। खुशी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे गुलाटी साहब, है घर पे किस तरह का माहौल रखते हैं, खुश रखते हैं या आप पे रोब झाड़ते हैं? नहीं, खुश रखते हैं। आप भी उनके साथ जैसे उनका स्वभाव है, शायद आपका भी स्वभाव ऐसा रहा है, तभी आप लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। क्या कहना चाहेंगे हमारे कंचन टीवी के दर्शकों को? मैं कंचन टीवी के दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि मेरा काम है बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जीने की कला, वो आप इनसे नंबर भी ले सकते हैं, आ सकते हैं, और खाना सीखिए, स्वस्थ रहिए, और कभी कभी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार इसे म्यूजिक प्रोग्राम में जरूर आएं, और डाइट और खाने से, म्यूजिक से आपकी हेल्थ ठीक रह सकती है। 2000 से 2016 तक मेरी 10 टेबलेट रोज की थी, और 2017 के बाद आज तक 3 साल में मैंने कोई भी टेबलेट नहीं ली। ये आप कभी भी इनसे कंचन टीवी से नंबर लेके आप मेरे पास पहुंच भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।